दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन के लिए जमकर बड़ी मेहनत कर रही है। प्रैक्टिस कैंप की सभी अपडेट्स हम आपको सबसे पहले देते आ रहे हैं और आज की वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं दिन भर की टॉप अपडेट्स जो कि टीम केकेआर की तरफ से निकल कर आ रही है। और काफी सारी अपडेट्स के बीच हमारी नई आईडी भी आ चुकी है इंस्टाग्राम पर, तो आप उसको जरूर फॉलो कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिन भर की टॉप अपडेट्स की और क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है केकेआर को। पहली अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमें पूरी तरह से एक कमबैक श्रेयस अय्यर का देखने को मिल चुका है। हालांकि दोस्तों वो प्रॉमिसिंग यहाँ पर फॉर्म देखने को नहीं मिला है जिस फॉर्म के लिए श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। अगर बात करें तो रिसेंटली केकेआर के प्रैक्टिस कैंप भी हमें देखने को मिला था और एक सरप्राइज एंट्री यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने केकेआर कैंप में कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पर जो केकेआर ने एक रील भी पोस्ट की थी जिसमें श्रेयस अय्यर यहाँ पर आपको सबके साथ एक शॉर्ट इंटरेक्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक शॉर्ट एंड स्वीट गेट टुगेदर भी है। तो यार दोस्तों श्रेयस अय्यर की सरप्राइज एंट्री प्रैक्टिस कैंप में हो चुकी है। बहुत जल्द वो ऑफिशियल प्रैक्टिस कैंप भी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत मजा आने वाला है श्रेयस अय्यर के नए कुछ वैकल्पिक शॉट देखने का, क्योंकि उस बार उन्होंने खुद कहा है कि आईपीएल के अंदर खास तौर पर उनको कप्तानी से ज़्यादा अपनी बैटिंग के ऊपर भरोसा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर दोस्तों वो साफ तौर के ऊपर करने वाले हैं बाउंसर्स को काउंटर अटैक। सो लेट्स सी दोस्तों उनका ये बैकअप अब किस तरह से काम करता है, क्या उनका जो काउंटर अटैक है वाकई काउंटर अटैक होता है या फिर एक और फ्लॉप शो हमें देखने को मिलता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको लगता है श्रेयस अय्यर इस साल यहाँ पर ऑरेंज कैप जीत सकते हैं या फिर टॉप थ्री में भी आ सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है करेबियन डियो को लेकर। तो रिसेंटली बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सुनील नारायण को बेस्ट बॉलर परफॉर्मर का यहाँ पर जो अवार्ड है इनक्रेडिबल अवार्ड स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से दिया गया था। वहीं यहाँ दरअसल भी पीछे नहीं थे, उनको भी यहाँ पर दोस्तों पावरफुल प्लेयर का इंपैक्ट प्लेयर का यहाँ पर इनक्रेडिबल अवार्ड्स के अंदर अवार्ड दिया गया था। अब बात करें तो यार श्रेयस अय्यर तो आ चुके हैं प्रैक्टिस कैंप में, बड़े बड़े और भी प्लेयर निकल कर आ चुके हैं, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, नीतीश राणा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कहाँ हैं हमारे दो धुरंधर जिनसे टीम केकेआर अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है, एक का नाम है आंदरसल तो दूसरे का नाम है सुनील नारायण। क्योंकि यार बीपीएल तो वो खेल चुके हैं और बीपीएल कप का एंड हो चुका है और ऐसे के अंदर दोस्तों बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग कोलकाता से कितना ही दूर है, तो कुछ दिन के रेस्ट के बाद क्या आंदरसल और सुनील नारायण आ नहीं सकते थे? तो क्या है वो अभी कहाँ पर हैं? दोस्तों वो अभी अपने अपने घर लौट चुके हैं, अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ। रिसेंटली वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपको अब सबसे पहले जब भी वो इंडिया आएंगे ना तो केकेआर से पहले भी आपको इनकी स्टोरीज से पता चल जाएगा। तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लेना उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर। और दोस्तों इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो हमारी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर लेना। अगली अपडेट आ रही है केकेआर मैनेजमेंट को लेकर। तो अगर बात करें तो केकेआर मैनेजमेंट के कुछ जो मेंबर्स हमें देखने को मिले, जहाँ तक की बात करें हेड कोच देखने को मिले, अभिषेक नायर देखने को मिले, ओमकार सालवी देखने को मिले। बट बात करें तो टीम केकेआर ने जिन भी बंदों को यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट दिया है, खास तौर पर दोस्तों सिर्फ हेड कोच यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो दो नए अपॉइंटमेंट है जो कि है जेम्स फॉस्टर और रायन टेंडस्कार्टे, वो अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आए हैं और कितना डिले उनकी तरफ से देखने को मिलेगा एंट्री के अंदर प्रैक्टिस कैंप के लिए, ये तो हमें समय ही बताएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नजर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।